जिस तरीके से भारतीय एयरटेल की शेयर में 4% और एसजीएल टेक की शेयर में 2% से ज्यादा की गिरावट यहां पर देखने को मिली है, वहीं पावर ग्रिड के शेयर 5%, एनटीपीसी के शेयर 4% और टाइटन के शेयर में भी यहाँ पर तेजी के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो है मार्केट का जिस तरीके से हाल मैंने बताया कि किस तरीके से जो है यहाँ पर रन करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब जो है आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। हमारे खास मेहमान आज विशाल बाग सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल जी, आपका स्वागत है टीवी इंटरनेशनल पर। गुड आफ्टरनून गौरव। गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं? बस गौरव मजे में, आप बताइएगा। हम सर मार्केट को एक बार जो है आप देख लीजिए। मार्केट के साथ साथ जिस तरीके से आज जो मार्केट ओपन हुआ उसके बाद जो है लगातार जो है एक बार फिर से गिरावट देखने को मिली है, क्या कहना चाहेंगे? गौरव जी, पूरे सितंबर मंथ में हम लोगों ने देखा कि बाजार ने एक अच्छा खासा पॉजिटिव रुख अपनाया हुआ था। जी और ये अभी सितंबर महीने की एक्सपायरी है, एक्सपायरी के हम लोग सेकेंड वीक में हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक्सपायरी के जो पोजीशंस है वो हल्के हो रहे हैं, और जो तेजी के पोजीशंस है वहाँ कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग का माहौल हम लोग देख रहे हैं। इसमें एक चार्ट में एक गैप छूट गया था, जो 20-21 तारीख को जो गैप हुआ था निफ्टी में, वो गैप भी फील हो चुका है। तो अभी कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से थोड़ा कूल ऑफ होते हुए दिखेगा। कहीं ना कहीं जितना तेजी से मार्केट नीचे आया हुआ है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेटल डाउन आते हुए दिखेगा, और मोस्ट प्रोबेबली आज के लो थोड़ा प्रोटेक्टेड रह सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि आज के लो अभी नहीं कटेंगे, या कटेंगे भी तो उसके नीचे मार्केट ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, एक रिकवरी सा मार्केट में बन सकता है। लेकिन सर अगर बात की जाए बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी पर जो है आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? और साथ ही साथ मेरा सवाल ये रहेगा कि आईटी शेयरों में जो बिकवाली का सिलसिला है वो थम नहीं रहा, उसको उस पर जो है आपके क्या नजरिया है सर, विचार क्या रहे? आईटी शेयर्स में जैसे मैं बात करूं तो आईटी स्टॉक में एक जो तेजी बनी हुई थी वहां कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग का माहौल आना था, जो प्रॉफिट बुकिंग हम लोग फिलहाल के लिए देख रहे हैं। और जो हम लोगों ने लास्ट 5-6 दिन में मुंह देखी थी पर्टिकुलरली आईटी स्टॉक्स में, उसमें पिछले 3 दिन में बहुत ही बेरिश या एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर है। एक्चुअली आप देखोगे तो आईटी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है और बहुत अच्छे प्रॉफिट्स ऑन टेबल है, तो कहीं जी ना कहीं जो स्ट्रांग प्लेयर है इसमें प्रॉफिट बुक करके कोई ना कोई दूसरे सेक्टर में मूव करने का यहाँ पे प्रयास करते हुए दिख रहा है। और जो एक सेक्टर कंटिन्यूअसली थामे हुए था इंडेक्स को अपर साइड में, वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों को डेफिनेटली यहाँ पे आज दिख रहा है। बिल्कुल सर। अब सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, कुछ और जो है प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं, जिससे कि हमारे साथ अभी तमाम जो व्यूअर्स भी जुड़ते जा रहे हैं उनके भी सवाल और सवाल जो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन सर आपके तरफ से जो कोई रिकमेंडेशंस और अपडेट अगर आपके पास हो तो प्लीज हमारे दर्शकों के साथ जो है आप साझा कर सकते मेरे पास अभी फिलहाल हम लोग कोई नया रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, जो भी पुराने स्टॉक्स है उसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करने का ही रिकमेंडेशन है। हैं। और एक दो स्टॉक जो मुझे बॉटम आउट के फॉर्मेशन में दिख रहा है, जिसका कंफर्मेशन आने पे हम लोग उसको बाय का रिकमेंडेशन में लाएंगे, उसमें पहला जी स्टॉक है गुजरात गैस। एक अच्छे खासे ड्रॉप के बाद गुजरात गैस हम लोगों को एक बॉटम फिशिंग करते हुए दिखाया है आज। तो जैसे ही गुजरात गैस 630 के ऊपर सस्टेंड होना चालू हो जाएगा, इसमें एक बाय कॉल जरूर निकल सकती है, जहां पे जो करेक्शन 780 के लेवल से इसमें आया हुआ है, उसका एक बाउंस बैक के हिसाब से 700 का प्लस, 700+ के टारगेट दिख सकते हैं। लेकिन ये रुझान तभी आएगा जब उसमें एक बाउंस बैक दिखेगा। अभी ऐसा कोई बाउंस बैक मतलब ये शायद जस्ट बॉटम फिशिंग चल रहा है, तो इट इज वेट एंड वॉच, वी आर वेटिंग फॉर द कंफर्मेशंस। जी। सर एक बार जो है एक बार आप जो है गुजरात गैस के जो है स्टॉप लॉस और टारगेट आप जो है दोहरा दीजिए, चूंकि आप जो है रिकमेंडेशंस है और व्यूअर्स बाय अबाउ 630 630 जी। स्टॉप लॉस शुड बी बिलो 590, टारगेट इज अबाउ 710। 710 ओके सर। तो ये गुजरात गैस पर सर की तरफ से आपके जो है रिकमेंडेशंस हैं। तो सर और अनदर वन जो अगर आपके पास कोई और रिकमेंडेशंस हो तो प्लीज, अदरवाइज जो है सवालों की तरफ हमें चलते हैं। कहीं ना कहीं जो पीएसयू स्टॉक है वो बॉटम आउट होते हुए दिख रहा है, जिसमें हम लोग ऑलरेडी कुछ स्टॉक में तेजी में हैं।
उसमें एक बेल का स्टॉक हम लोगों को कंटिन्यूअस तेजी में दिख रहा है और ये कंटिन्यू तेजी मेंटेन भी करेगा। करंट मार्केट प्राइस बेल का 211 है, आपके ही शो में शायद से मैंने बाय कॉल दी हुई है 204 पे जब ये स्टॉक था, इसका 196 का स्टॉप लॉस ट्रेल करा लेना चाहिए और पोजिशन लॉन्ग में होल्ड करनी चाहिए। बिल्कुल, पोजीशन लॉन्ग में जो होल्ड करके यहाँ पर चलनी चाहिए। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। सर मैं कुछ जो है दर्शकों के सवाल रखूँ आपके सामने? डेफिनेटली सर। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। तो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, तो सबसे पहले उसमें भारतीय एयरटेल पर सर जो है एक व्यूअर्स हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भारतीय एयरटेल पर आपका व्यू पॉइंट जानना चाहते हैं। भारतीय एयरटेल ने बहुत दिन के बाद एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग देखा हुआ है, जहां पे 670 से लेके 690 एक एक्युमुलेशन जोन साबित हो सकता है और स्टॉप लॉस आपको 660 के नीचे लगाने पड़ेंगे। अभी भी राइट इशू उसका आया हुआ है, तो वो सब चीजें देखते हुए कहीं ना कहीं ये वापिस स्टॉक 740 जाने के चांसेस आगे आने वाले दिनों में बने रहेंगे। जी बिल्कुल, आगे आने वाले दिनों में जो आपने सुना जो है कि भारतीय एयरटेल पे जो है अभी राइट इशू जो है आने वाला है और उसी को लेकर जो है एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो सर इसमें जो है होल्ड करके चलना चाहिए जिनके पास अभी ये अभी इस समय पोजीशन है? डेफिनेटली यस, 670 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 670 का जो है स्टॉप लॉस लेकर आप जो है होल्ड करिए, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी चीजें देखने को बाकी हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। कुछ और जो है व्यूअर्स हैं वो सर बजाज फाइनेंस पर जो है आपका व्यू पॉइंट जानना चाह रहे बजाज फिनांस एक ऊपरी स्तरों पे हम लोगों ने एक प्रॉफिट बुकिंग का माहौल इसमें देखा हुआ है, बाय ऑन डिप का सलाह अभी रहेगा, बट इट इज अभी तो वेट एंड वॉच में चला गया है, ये वी नीड टू वेट फॉर सम टाइम बिफोर एनी कंक्लूसिव डिसीजन ऑन इट। किसी के हाथ में है तो उसने डेफिनेटली स्टॉप लॉस रखना चाहिए 7320 का। बिल्कुल, 7320। ओके सर, अगर कोल इंडिया की बात करें तो कोल इंडिया पर सर एक बार जो है अपना व्यू पॉइंट रख दीजिए। वैसे अगर देखा जाए कोल तो सर इंडिया में तेजी बनी हुई है तेजी बनी हुई है लगातार, मैं वही बात कहना चाह रहा और था। जी उसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो कहीं ना कहीं 162 का स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ से भी ऊपरी स्तर इसमें देखे जा सकते हैं, यहाँ से भी 180-190 तक के लेवल्स इसमें ओपन रहेंगे। ठीक है, 90-180 तक के यहाँ पर जो है लेवल्स ओपन रहेंगे, 162 का स्टॉप लॉस आप लगाकर इसमें बने सकते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। कुछ और जो है शेयर्स की बात करते हैं, कुछ और जो व्यूअर्स के सवाल हैं सर। ओएनजीसी पर जो है एक हमारे व्यूअर हैं वो पूछना चाह रहे हैं आपका व्यू। ONGC पे भी मेरा व्यू तेजी का ही है, आपके शो में ही मैंने 120 के लेवल पे हम लोगों ने ONGC कहीं ना कहीं रिकमेंड किए हुए थे। स्टिल वी हैव द सेम व्यू, ONGC तेजी में है, उसका जो स्टॉप लॉस है अभी ट्रेल करके 135 का है, आप कंटिन्यू इसको होल्ड कर सकते हैं, ऊपरी स्तरों पे 160 के लेवल्स भी इसको आने वाले दिनों में हम लोग देख सकते हैं। ओके, एक सर राज मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राज मल्होत्रा जी कह रहे हैं कि कैन आई बाय BSE LTD, यानी कि जो है अगर करंट प्राइस मार्केट प्राइस पर देखें तो BSE के। BSE LTD जी, या ओनली BSE? BSE LTD BSE LTD कौन सा स्टॉक है भाई ऐसा? BSE लिमिटेड, दैट इज BSE ओनली। ओके, BSE में अभी भी बाय के रुझान बने हुए हैं, मेरे हिसाब से NSE का IPO आ रहा है, तो जो भी एक्सचेंज और एक्सचेंज से रिलेटेड जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स है उसमें कहीं ना कहीं तेजी बनी रहेगी। मुझे BSE, MCX ये दोनों ही स्टॉक में तेजी बरकरार आती हुई दिख रही है। अगर BSE का बात किया जाए तो 1180 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड करना चाहिए। 1180 के स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशन को होल्ड करिए BSE LTD, यानी कि जो कंपनी अभी करंट प्राइस सर जो है वो पूछना चाह रहे हैं करंट प्राइस के हिसाब से क्या इसे बाय करना चाहिए, 1249 रुपये का करंट प्राइस जो चल रहा है अभी। डेफिनेटली बाय भी किया जा सकता है, बाय करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आज NSE का बाय आ गया, अपना IPO का फाइनलाइजेशन हो गया, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम इसमें भी देख सकता है। इसमें एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी डेली बेसिस पे बन रहा है, और जिसका टारगेट कहीं ना कहीं ऊपरी स्तरों पे हम लोग
1400+ देख सकते हैं। 1400+ जो है ऊपर स्तर पर जो है आप देख सकते हैं। तो सर की तरफ से यह है कि राज मल्होत्रा जी का सवाल था, राज मल्होत्रा जी आप इसमें बाय कर सकते हैं, करंट प्राइस करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से भी 1250 का भी इसमें भाव चल रहा है, और अगर आप जिनके पास पोजीशन है तो उसको 1180 रुपए के स्टॉप लॉस पर होल्ड कीजिए, ये सर की तरफ से आपके लिए राय रहने वाली है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं IOCL। सर IOCL पर जो है एक बार अपना नजर देख लीजिए, चार्ट देख लीजिए। IOCL नहीं होगा, IOC होगा। IOCL सर 123 रुपए के, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हाँ तो IOCL नहीं होगा, IOC उसका सिंबल है। ओके 123, अगेन यहाँ पे तेजी बनी हुई है, तेजी के लक्षण बरकरार है, लैंड मोबिलाइजेशन का जो भी चीज हो रहा है प्रैक्टिकली इधर, उसके बेनिफिट सब गवर्नमेंट कंपनीज को आते हुए दिख रहे हैं। 116 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए, ऊपरी स्तरों पे कहीं ना कहीं 140 तक भी ये स्टॉक मिल सकता है। 116 के स्टॉप लॉस से जो है होल्ड करना चाहिए सरकार तरफ से, इसमें जो है IOC में जो है व्यू पॉइंट क्लियर हुआ। सर किटी मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़ रहा है, उनका मानना है और वो पूछना चाह रहे हैं आपसे KPR मिल पे। सर KPR मिल एक ऊपरी स्तरों पे एक छोटा मोटा एक प्रॉफिट बुकिंग आज देखा गया है, लोअर साइड में ये स्टॉक 420-430 तक आ सकता है, अभी कोई इसमें बाय या सेल का रुझान नहीं है। बिल्कुल कोई बाय और सेल का कोई रुझान इसमें नहीं है सर की तरफ से, स्पष्ट तौर पर आपके लिए किटी मल्होत्रा जी। और इनका ये एक और सवाल है सर कि BASF बासेफ जी, BASF पे भी कोई पर्टिकुलर रुझान नहीं है, साइडवेज स्टॉक बना हुआ है, लॉन्ग टर्म में तेजी का ही रुझान है, लेकिन अभी कोई क्लैरिटी आज के डेट में पोजीशन का या एंट्री और एग्जिट का कोई प्रोबेबिलिटी दिख नहीं रहा है। ठीक है सर, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। किटी मल्होत्रा जी के सवाल KPR मिल और BASF पर जो है सबके दोनों पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हुए हैं। सर आगे बढ़ते हैं, रवि किरण जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रवि किरण जी पूछना चाह रहे हैं फिर हैप्पीएस्ट माइंड पर जो है आपका व्यू पॉइंट। सर हैप्पीएस्ट माइंड शायद से साइडवेज बना हुआ है, उस पर कोई एक व्यू पॉइंट क्लियर नहीं है, मतलब खुद स्क्रिप्ट का ही व्यू पॉइंट क्लियर नहीं है ऐसा मुझे लगता है। इसमें एक साइडवेज बना हुआ है पैटर्न जहाँ पे स्टॉप लॉसेस कहीं ना कहीं 1340 के रहेंगे, अगर पोजीशन में होल्ड है तो ठीक है, अगर पोजीशन नहीं है तो नया पोजीशन का कोई रुझान नहीं है। अगर पोजीशन ले रखी है तो पोजीशन में होल्ड है तो कोई वो नहीं है। अगर सर 1340 का स्टॉप लॉस सर जिनके पास पोजीशन है उसके लिए, हाँ 1340 का स्टॉप लॉस जिनके पास पोजीशन उनके लिए। ओके, जिनके पास पोजीशन है उनके लिए जो है सर की राय ये रहेगी स्टॉप लॉस 1340 रुपए का आप मेंटेन करके चलिए। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, कुछ और जो सवाल जो है मुझे आपसे लेने हैं ICICI बैंक पर जो है सर एक बार जो आप व्यू पॉइंट क्लियर कर दीजिए। बैंकिंग में एक ऊपर की स्तरों पे एक सेल ऑफ आज हम लोगों ने देखा हुआ है, उसका ही ICICI भी एक मेरे हिसाब से शिकार हुआ है, बट मोर और लेस एक साइडवेज पैटर्न बने हुए है, नीचे में 700-690 का एक मेजर सपोर्ट लेवल है और ऊपर में 733 का रेजिस्टेंस है, यही दौरान मार्केट का यही दौरान एक कंसोलिडेट कर रहा है, कोई एक साइड पे ब्रेकआउट आएगा तो ही इसमें कोई व्यू पॉइंट क्लियर हो पाएगा, नहीं तो आज के डेट में कोई उसमें रुझान नहीं है। ओके, आज के डेट में सर की तरफ से इसमें कोई रुझान नहीं दिखते हुए नजर आ रहे हैं। मनोज शाह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मनोज शाह जी हमारे अगले व्यूअर हैं, वो पूछना चाह रहे हैं इंडसइंड बैंक का सर जो इंडसइंड बैंक जी और नवनीत एजुकेशन पर जो है टारगेट और स्टॉप लॉस। इंडसइंड बैंक में भी जैसे मैंने ICICI बैंक में कहा सेम कंडीशन इंडसइंड बैंक में भी है, ऊपरी स्तरों पे सप्लाई देखी जा रही है लेकिन निचली स्तरों पे भी बाय देखा जा रहा है, तो मोर और लेस 1080 से लेके 1200 ये उसका 1090 ये रेंज बना हुआ है, जब तक ये रेंज में कोई पर्टिकुलर बाय या सेल इसमें रिकमेंडेड नहीं है। नव भारत नवी क्या दूसरा कौन सा था सर, नवनीत जी नवनीत एजुकेशन 113
इसमें बाय का रुझान बना हुआ है ऊपरी स्तरों पे, एक अच्छा खासा ऊपर के लेवल पे से सप्लाई जरूर आया हुआ है, लेकिन तभी भी बाय का ही रुझान है हम लोगों का। और कहीं ना कहीं 104 का स्टॉप लॉस इसमें रखना चाहिए, ऊपर में कहीं ना कहीं 125 130 के लेवल छू सकता है। इसको हम लोग प्रैक्टिकली ट्रैक नहीं कर रहे कि मैंने कहीं भी इसका कॉल जनरेट नहीं किया हुआ है, ये तो जस्ट Q&A का आंसर है। जी, ओके। तो आपके दोनों जो मनोज जी आपकी क्वेरी पूरी होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। सर, एक सीए दीपक मल्होत्रा जी हमारे रेगुलर जो है व्यूअर हैं, वो पूछना चाह रहे हैं कि एचआईएल पर जो है आपका व्यू सर। HIL, या जी सर, HAL या HIL? एचआईएल। ओके, 50, ओके। HIL जो है अभी के डेट में एक रेंज में बना हुआ है, जहां पे रेंज उसका बड़ा रेंज है, 4800 से लेके 6600 तक का रेंज हम लोगों ने देखा है। अभी पिछले कुछ दिनों से देखा जाएगा तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन में, कोई इसमें रुझान अभी नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म का ये तेजी वाला स्टॉक है। ये इसका वीकली और मंथली चार्ट डेफिनेटली एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है सर। सर, इनसे ही एक और मैथान एलाइज सर जो है, इनका जो है अगला जो है सवाल है दीपक मल्होत्रा जी का ही। मैथॉन अलॉय भी दिख रहा है, एक अच्छा खासा सेल ऑफ के बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन में। अगर इसमें लोअर लेवल 911 या ऊपरी स्तर जो है वो 1099, तो 1100 से लेके 900 एक रेंज बना हुआ है पिछले 4-5 वीक से, वो रेंज में जो साइड में भी ब्रेकआउट आएगा वो साइड में ट्रेड बनेगा। अभी एट दिस मोमेंट कोई रुझान इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, अभी जो है मल्होत्रा जी, अभी इसमें कोई रुझान दिखाई नहीं दे रहा है, तो मुझे लगता है कि सर जो है समय जो है अनुमति नहीं दे रहा है मुझे आगे बढ़ाने के लिए। शो आगे बढ़ेगा, लेकिन अभी दूसरे गेस्ट जो है थोड़ी सी देर में जो है मेरे साथ जुड़ेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने समय निकाला, कीमती वक्त में से जो है आज आपने हमारे साथ बातचीत की, चर्चा की, और तमाम सारे जो है सवालों का जवाब भी दिया। जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे साथ, जो जितने भी जुड़ते हैं, उनके सवाल जो है सटीक सही तरीके से जो है आप देते हुए नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट सर।